हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए अंगूठे वाली सॉक्स। अलग तरह की अंगूठे वाली सॉक्स है, इसकी बहुत सारी फरमाइश आ रही थी मेरे पास। मैंने पहले ये बूटीज बिना अंगूठे के मैंने बता रखी है। देखिए ये वाली मैंने बताई है, आपने ज़रूर देखी होगी और आपने बहुत पसंद भी की, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि मैं ये वाली बूटीज अंगूठे में बनाना बताऊँ। तो आज मैंने ये अंगूठे में बनाई है आपके लिए, आज मैं ये बनाना बताऊँगी। इसमें एक शिकायत मुझे और आ रही थी कि ये जब बना के पहनते हैं तो एड़ी के पास से काफ़ी लूज हो जा रही है ये, तो इसका सोल्यूशन भी मैंने इसमें बताया है कि आपको जब ये शुरू करेंगे आप तो ये इस तरह से शुरू करेंगे। ये तो मैंने इसलिए एकदम बिना फंदे घटाई बढ़ाई बताई थी ताकि बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकें, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा अलग तरह से बनाई है। तो ये वाली बूटीज भी जब आप शुरू करें तो आप इसके तरीके से शुरू करें, तब ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर पूरी बनाने में, जैसे कई का मेरे पास ये कमेंट आया कि बनाने के बाद जब पहन ली हमने तो ये काफ़ी लूज़ हो गई, तो लूज़ के लिए आपको करना है कि यहाँ से, जहाँ से आपने ये फंदे बंद किए हैं यहाँ से आप इसको खोल देंगे थोड़ा सा, और खोलने के बाद दो या चार सिलाई जितनी भी ज़्यादा लूज़ है आप उसको उधेड़ देंगे और उसके बाद इसको फिर से बंद कर देंगे, तो ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बुनने के बाद भी आप इसको सही कर सकते हैं। एड़ी का तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें आप अंदर की तरफ से ऐसे सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ से खोल नहीं सकते, लेकिन लंबाई आप इसकी खोल के इसको कम कर सकते हैं यहाँ से। और एड़ी आप इस तरीके से बनाएंगे जिसमें मैं, जिस तरह से मैंने ये बनाई है, ये मैं बनाना बताऊंगी आज। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए यहाँ से आपको वीडियो ये पूरी देखनी है, आप मेरी सभी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि मैं सारे डाउट्स जो भी बीच में होते हैं वो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। इसलिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा कि ये किस तरीके से बनानी है। यहाँ मैंने फंदे डालने हैं, 39 फंदे मैंने इसमें लिए हैं, 39 फंदे मैं डालूंगी, और बिल्कुल ढीले ढीले मैंने ये फंदे डालने हैं और सिंगल धागे से डालने हैं। ये मैं सिंगल धागे से डाल रही हूँ क्योंकि ये हमारे अंदर सिलाई में आ जाएंगे, इसलिए इनको सिंगल धागे से डालेंगे और बिल्कुल ढीले ढीले डालेंगे। इनको मैं 39 फंदे मैंने इसमें रखने, देखिए ये फंदे डाल लिए मैंने, 39 फंदे हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
उल्टा उल्टा बुनना है हमें ये दोनों कलर से, व्हाइट से भी और रेड से भी। हमें पूरी जूती ये उल्टी उल्टी बुननी है, तो हम एक सिलाई इसी तरह से इसमें कर लेंगे। 51 फंदे इसमें करने हैं हमें। तो अब हम ये अगली सिलाई से, पहली सिलाई करने के बाद इसके फंदे हम बढ़ाएंगे। पहली सिलाई हम ऐसे ही कर लेंगे, ये देखिए ये हमने एक सिलाई पूरी कर ली। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। हमें 7 फंदे पहले, जो हमने ये बॉर्डर के लिए हैं, 7 फंदे इसी कलर से बनाएंगे।
ये 7 फंदे बना लिए। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। बारह फंदे हम बुनेंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 फंदे हमने ये बना लिए। अब ये 13वां फंदा जो है, इसमें देखेंगे आप, एक बार बुना, सिलाई के ऊपर से हम धागा लेंगे और दूसरी बार बुनेंगे। एक फंदे के ये 3 फंदे हो गए, और उसके बाद फिर से 12 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 फंदे ये बुन दिए, और उसके बाद ये 7 फंदे हमारे यहाँ बच गए। ये बॉर्डर के फंदे हैं हमारे, ये हमें सिर्फ रेड में बुनने हैं, हर बार व्हाइट में हम इनको नहीं बुनेंगे। यहीं से हम इसको वापस ले लेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, और ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इसमें इस सिलाई में हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, उल्टी तरफ से फंदा बढ़ाएंगे हम, और सीधी तरफ से ऐसे ही बुन लेंगे। ये सारे फंदे ऐसे ही बुन के, ये देखिए ये 3 फंदे हैं, इनको एक एक करके इस तरह से बुनेंगे। ये फंदे मैं जितने भी बताती हूँ, ये मैं अपनी ऊन के हिसाब से बताती हूँ कि ऊन मेरी कैसी है, मोटी पतली, उसी हिसाब से मैं इसमें फंदे रखती हूँ। आप अपनी ऊन के हिसाब से थोड़ा बहुत फंदों का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी ऊन इससे ज़्यादा बारीक है तो आप एक या दो फंदा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अगर ऊन मोटी है तो आपको एक दो फंदा कम लेना होगा। ये ऊन ली है मैंने वर्धमान की रैबिट एक्सेल, और 10 नंबर की इसमें मैंने सिलाई ली है। अब देखिए ये यहाँ तक वाइट मैंने पूरा कर दिया, अब यहाँ से हम ये रेड शुरू करेंगे। अब ये वाली रेड कलर की धारी आएगी। अब के बार हमें यहाँ 13 फंदे बुनने हैं, ये वाले जो हम बुन रहे हैं, ये 7 फंदे छोड़ने के बाद। तेरह फंदे बुनेंगे, और जो ये 3 फंदे, एक के 3 फंदे किए थे, उनका जो बीच वाला फंदा है, ये वाले पे फिर से वही करेंगे हम। उल्टी तरफ एक फंदा बुना, सिलाई के ऊपर से धागा लिया और फिर से बुन दिया। ये एक फंदे के 3 फंदे बनते जाएंगे। हर बार हमें उल्टी सिलाई में यही करना है जब तक हमारी ये पूरे फंदे 51 फंदे हो जाएं। छह बार हमें यही रिपीट करना है। अभी हमने ये 2 बार किया, एक बार व्हाइट से और एक बार रेड से, और रेड में हमें सारे फंदे बुनने हैं। व्हाइट के हमें 7 फंदे इधर से, 7 फंदे इधर से छोड़ के बीच के फंदे बुनने हैं, लेकिन जब हम रेड से बुनेंगे तो हमें पूरे फंदे बुनने हैं दोनों साइड से। उसके बाद यहां से लेंगे, और ये सिलाई पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए। देखिए ये रेड से हमने ये वाली सिलाई पूरी कर ली। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए, यहां से हम फिर व्हाइट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये 7 फंदे रेड से बना लेंगे। ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब यहां से शुरू करेंगे, पहली बार हमने इसके 12 फंदे बुने थे, उसकी अगली बार में हमने 13 फंदे बुने, अब के हमारे ये 14 फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से हर बार एक एक फंदा बढ़ता जाएगा इसमें। देखेंगे ये बीच का फंदा जो होगा इसका, उसमें हमें
एक फंदे के तीन फंदे बनाने हैं। बाकी फंदे हम बुन लेंगे, सात फंदे छोड़ के बुनने हैं हमें वाइट से। यहां से ये वापस करके इस तरह से हम ये 51 फंदे होने तक हमें यहाँ बीच में बढ़ाने होंगे। तीन बार हम बढ़ा चुके हैं, तीन बार अभी हमें और बढ़ाने हैं। ये देखिए, ये अब हमने 6 बार बढ़ा लिए। एक यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 में हमारे ये 12 फंदे बढ़ गए। अब हमारे पास ये पूरे 51 स्टिचेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 50 फंदे हो गए। एक ये 51 फंदे हो गए ये। अब हमें इसमें कोई भी फंदा घटाना भी नहीं है और कोई भी बढ़ाना नहीं है। बस हमें ये व्हाइट जब हम बुनेंगे तो हमें ये 7 फंदे इधर 7 फंदे इधर छोड़ के बुनने हैं, और जब हम रेड बुनेंगे तो अब हमें पूरे फंदे बुनने हैं। इस तरह से हमें इसकी 17 पट्टी होने तक ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स हम गिनेंगे, तो ये हमारी 17 हो जानी चाहिए। तब तक हम इनको बुनते जाएंगे। अब आप देखेंगे इसमें हमें कोई फंदा बढ़ाना भी नहीं है और कोई फंदा घटाना भी नहीं है। देखिए, यहाँ हमने पहले फंदा बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही बुन देंगे। और सीधी तरफ से तो हम ऐसे ही बुन ही रहे थे। अब हम इनको हम यहाँ तक बुनेंगे, वापस लाएंगे यहाँ तक बुन के, यहीं से वापस करेंगे, रेड बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हमें ये 1 2 3 चौथी पट्टी पर हम हैं ये वाइट धारी पर। इस तरह से जैसे यहाँ से हमने ये शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक हम इसको बुनेंगे, और उसके बाद हम इसमें अंगूठा घटाएंगे। ये लंबाई आप अपने पैर के हिसाब से नाप के रख सकते हैं कि आपको कितनी रखनी है। मैंने यहाँ 17 लाइन रखी है वाइट वाली, सिर्फ वाइट गिनेंगे, रेड नहीं गिनेंगे। और 17 लाइन पूरी होने के बाद हम इसमें अंगूठे का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये अब हमने बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए यहाँ तक हमने ये फंदे बढ़ाए, और उसके बाद हमने ये बनाई लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 लाइन हमारी ये वाइट वाली पूरी हो गई। अब हम यहाँ अंगूठे का पार्ट बनाएंगे। उससे पहले मैं बताऊंगी कि आपको इसे पैर से अपने नापना कैसे है, कि हम कैसे नापेंगे। तो आप इस तरह से इसको रखेंगे और इसके ऊपर अपना पैर रखेंगे। यहाँ इस तरफ ये हमारी एड़ी है, तो हम यहाँ इसको रख लेंगे, देखिए आप। और यहाँ से आप देखेंगे ये इतना कम आ रहा है, लेकिन ये ऊन है तो ये थोड़ा सा खींचेगी, तो इसलिए हम इसको जब नापेंगे तो हल्का सा खींच के नापेंगे। ये देखिए, यहाँ से और ये यहाँ तक ये पूरा आ गया। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये इतना आ रहा है, इतना कम आपको बनाना ही है ये, वरना ये ढीला हो जाएगा। तो इसको हम ऊन को थोड़ा सा खींच के, जो हमने बुना है थोड़ा सा खींच के नापेंगे। ये हमारे पैर के जहाँ से हमारा अंगूठा शुरू हो रहा है वहाँ तक आ जाना चाहिए, उसके बाद हम इसमें अंगूठा बनाएंगे। तो ये है हमारा नापने का तरीका, कि हम अपना पैर इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा ऐसे खींचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा सा खींचना है। अब हम इसमें बनाएंगे अंगूठे का पार्ट। जो हमारे बॉर्डर के फंदे हैं ये तो हम ऐसे ही बुन लेंगे, और हमें ये फंदे आधे बुनने हैं। अब बॉर्डर समेत हम गिनेंगे, 51 फंदे हैं हमारे ये। चाहें तो आप एक तरफ 25 ले लें, आप एक तरफ 26 ले लें, चाहें तो आप इसमें एक फंदा बढ़ा लें तो दोनों तरफ 26 हो जाएंगे। मैंने इस वाली बूटीज में ये एक फंदा बढ़ाया है, तो मैं यहाँ एक फंदा बढ़ा लूंगी और इन्हें 26 कर लूंगी।
ये एक फंदा मैंने बढ़ा लिया यहाँ, और ये 26 फंदे होने तक हम इसको बुनेंगे। ये हमारे 26 फंदे हो गए, 26 इधर हैं, तो अब हम इधर के फंदे छोड़ देंगे और इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे। इस सिलाई को हम यहीं छोड़ देंगे, ये अलग सिलाई से बुन लें, चाहे आप इसी सिलाई से कंफर्टेबल हो तो इसी सिलाई से बुन लें। करना हमें वही है, दो दो सिलाई की हमें धारी बनानी है। व्हाइट वाला हमें 7 फंदे छोड़ के वहीं से वापस करना है और रेड वाला हमें पूरे में बुनना है। इसको हम यहीं से वापस कर लेंगे, उसके बाद ये व्हाइट छोड़ देंगे और रेड शुरू करेंगे। इसी तरह से हमें दो दो सिलाई करते हुए ये अंगूठे का पूरा पार्ट बनाना है। देखिए ये एक धारी ये हो गई हमारी व्हाइट। इसी तरह से करते हुए हमें ये 5 या 6 लाइन बनानी है व्हाइट कलर की, और 5 ही हमें फिर ये रेड कलर की, 5 व्हाइट हैं तो 5 ही रेड आएंगी, और अगर 6 व्हाइट हैं तो 6 ही रेड कलर की आएंगी। उसके बाद हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। इस तरह से एक एक लाइन करते हुए ये हम बना लेंगे। ये देखेंगे अब हमने ये, देखिए 6 लाइन, सिर्फ आधे फंदे हमने बुने हैं और ये व्हाइट वाले 6 लाइन बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन बनाई हैं आधे फंदों की। अब हमें ये वाले फंदे हम बंद कर देंगे और ये वाले फंदों से फिर से 6 लाइन बनाएंगे सिर्फ आधे फंदों में। तो सबसे पहले हम ये वाले फंदे बंद कर लेंगे, और ये वाले फंदे हमें टाइट नहीं करने हैं बिल्कुल भी। नॉर्मल बिल्कुल बंद करने हैं, बहुत ज्यादा ढीले भी हम नहीं करेंगे इनको, और टाइट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं इसकी शेप खराब हो जाएगी। इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। अब हम ये थोड़ा सा धागा छोड़ के इसमें सिलाई के लिए, और हम ये धागा काट देंगे। इस तरह से ये वाला धागा भी हम थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से काट देंगे, और अब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। अभी हमने रेड लाइन बना रखी है तो हम इसको व्हाइट से शुरू करेंगे। और हमें इसे उसी तरीके से बुनना है कि बॉर्डर तक हमें व्हाइट बुनना है, और जो रेड बुनेंगे तो हम पूरे फंदे बुनेंगे। कोई भी फंदा हमें घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, और हमें ये 6 लाइन पूरी करनी है व्हाइट कलर की।
यहाँ से हम वापस कर लेंगे इसको। ये लाइन पूरी करेंगे। यहाँ से हमने देखिए ये व्हाइट हो गई। अब यहाँ हम रेड धागा लगा देंगे और रेड से शुरू करेंगे। ये रेड से शुरू कर देंगे और इसी तरह से बुनते हुए हमें ये व्हाइट 6 व्हाइट लाइन बनानी है और 6 रेड लाइन बनानी है। और फिर जिस तरह से हमने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं उसी के बाद ये वाले फंदे भी हम सारे बंद कर देंगे ढीले ढीले, और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसकी धारियां बनाते जाएंगे। ये देखिए ये अब हमने यहाँ से ये बुन के ये तैयार कर लिया। आधा पार्ट हमने इधर से बुना और आधा हमने इधर से बुन लिया। इसमें कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है, बस ऐसे ही हमने इसको बुनते जाना है। उसके बाद हमने ये फंदे बंद कर लिए इधर से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट सिलेंगे, यहाँ से इतना सिलेंगे, और उसके बाद फिर हम ये इस तरह से निकाल के ये यहाँ से सिलेंगे। अब हम ये सिलेंगे। ये वाला पार्ट देखिए, ये देखिए ये मैंने सिल लिया है पहले से, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको सिल लेना है। ये हमारा एड़ी का पार्ट है, ये हमारा पंजे का सामने का पार्ट है जिसको हमने दो अलग अलग पार्ट में बुना है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखेंगे सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर एक टांका लेके इसको यहाँ पक्का कर देंगे पहले। उसके बाद हम इसको सीधी तरफ से सिलेंगे। आप जिधर से भी कंफर्टेबल हो सिलाई में आप उधर से सिल सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ये सीधी तरफ से सिला है, तो इसलिए मैं इसको भी सीधी तरफ से सिलूंगी। ये अंदर ले लेंगे धागा। ये यहाँ से एक एक टांका लेते हुए एक टांका इधर से लेंगे, दूसरा इधर से लेंगे, फिर इधर से लेंगे। इस तरह से लेते हुए हमें ये सिलाई करनी है। दो तीन टांके लेने के बाद हम इसका धागा खींच देंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, वरना ये यहाँ से टाइट हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक टांका इधर से लिया, एक इधर से, एक इधर से, ये देखिए इस तरह से हम इसको इतना सिलेंगे जहां से ये हम ये मिलाएंगे ऐसे, यहां तक हमें इसको सिलना है। उसके बाद हम इसको अंगूठे को सिलेंगे। ये देखिए इतना हमने ये सिल लिया है। अब मैंने इसको यहां से लेके इसको पक्का कर दिया यहाँ। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। इधर से लेते हुए हमें ये दोनों साइड अलग अलग सिलनी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी।
इस तरह से सिलते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इधर से भी सिलेंगे और इधर से भी पूरा ये इसी तरीके से सिलेंगे। और सारे धागे ये एक्स्ट्रा जितने भी धागे होंगे ये थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के हम इनको कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमने सिल के और यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो काट लिए। ऐसे ये तैयार हो गया। ये देखिए एड़ी का पार्ट बिल्कुल एकदम गोलाई से आया है, ये बिल्कुल कोना इसमें नहीं निकलेगा, ये यहाँ से लूज भी नहीं होगा। और ये हमारा सामने का पार्ट है और इसमें आपको ये देखेंगे कि जो हम थंब सॉक्स बुनते हैं उसमें राइट पैर का अलग होता है, लेफ्ट का अलग होता है। इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो आप कोई सा भी लेफ्ट में पहनिए और कोई सा भी राइट में पहनिए, आपको ये देखने की जरूरत नहीं होगी इसमें। अब मैंने इसमें आप चाहें तो इसको इसी तरह से यूज कर सकते हैं, ऐसे ही पहन सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से ये क्रोशिया की कंगूरी बना सकते हैं। तो मैं ये बनाना बताऊंगी कि हमने ये कंगूरी किस तरह से बनाई है। ये पीछे की तरफ से शुरू करेंगे हम। पहले हम ये यहां से ऐसे धागा बांध लेंगे। उसके बाद हमने यहां से सबसे पहले तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद यहाँ से लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर हमने यहाँ दो चेन छोड़नी है, ये जो हमारी चेन जैसी आती है जो हम बिना बुना फंदा लेते हैं, पहली छोड़ के दूसरी में हमें ये लेना है ऐसे। उसके बाद फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और यहीं पर सिंगल क्रोशिया लेंगे जहाँ हमने पहले लिया। उसके बाद ये एक चेन छोड़ के दूसरी में यहाँ ले लिया, फिर से तीन चेन लेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशे लेंगे और एक दो दूसरे में हम ये इस तरह से ले देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये कंगूरी बनाते चले जाना है। ये हम उस जगह भी यूज कर सकते हैं, देखिए जैसे कोई भी ये वाला डिजाइन ना बना के आपने कोई भी बूटीज बनाई हैं और उसका ये बॉर्डर ढीला हो गया है और उसको आपको टाइट करना है, तो आप इस तरह से ये क्रोशिया की कंगूरी बना लें उसमें। और जैसे मैंने ये एक छोड़ रही हूँ यहाँ पर चेन, जैसे ये हमने तीन चेन बनाई, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया और ये यहाँ एक चेन छोड़ के दूसरी में ले रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसको टाइट लेना बना करना है तो हम ये एक दो छोड़ के तीसरी में लेंगे। इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमारा ये बॉर्डर एकदम टाइट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बूटीज ऐसी हैं कि आपको उसको टाइट करना है तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। इसमें भी मैंने यहाँ पर ये गोलाई में थोड़ा सा ये लूज ना रहे, यहाँ गोलाई थोड़ी ऐसे टाइट अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर भी तीन तीन छोड़े हैं। तीन बार मैंने यहाँ दो दो छोड़ के चैन और तीसरी में लिया है, बाकी पूरे में मैंने एक छोड़ के एक में ले रही हूँ। और फ्रंट में मैंने यहाँ पर दो दो छोड़ के तीसरे में लिया है तीन बार। इसी तरह से जो अगर आपको कोई बॉर्डर टाइट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ये बॉर्डर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने पीछे की तरफ धागा लेके यहाँ से एक्स्ट्रा धागे काट दिए, ये सब तरफ से हमने इस तरह से बना लिया। आप देखेंगे ये बिल्कुल तैयार हो गया है। एकदम बहुत अच्छे से एकदम फिटिंग के साथ ये तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।